दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों ये सेशन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसका एक लाइन भी स्किप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस सेशन में जितने भी आपको पॉइंट मिलेंगे सबको याद कर लीजिएगा, आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। द टेम्पेस्ट वॉज परफॉर्म ड्यूरिंग द विंटर ऑफ 1612 to 1613 टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ प्रिंसेस इलिजाबेथ द डाउटर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। तो किंग जेम्स फर्स्ट की जो डाउटर थी इलिजाबेथ, उसके मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों इसको परफॉर्म किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सवाल बन रहा है कि प्ले को इलिजाबेथ के मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए परफॉर्म किया गया था। तो दोस्तों आपका आंसर होगा द टेम्पेस्ट। कब परफॉर्म किया गया था? 1612-13 में इसको परफॉर्म किया गया था। कॉर्डेलिया वाज हैंग्ड इन किंग लियर। तो दोस्तों एक कैरेक्टर है जिसका नाम है कॉर्डेलिया, इसको हैंग किया गया था, इसको फांसी दिया गया था किंग लियर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो पॉइंट है दोस्तों बड़ी ध्यान से समझिएगा, ट्रॉयलस एंड क्रिसिडा। अब यहाँ पे जो आपका नाम है ट्रॉयलस एंड क्रिसिडा, इससे मिलता जुलता एक वर्क दोस्तों आपका शेक्सपियर का है। यहाँ पे किसकी वर्क है? ये चौसर की है, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक रचना है शेक्सपियर का, जहाँ पे वाई नहीं रहेगा दोस्तों, SSDA रहेगा, क्रिसिडा, जो आगे इसी सेशन में आपको मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, तो ट्रॉयलस एंड क्रिसिडा। उसके बाद है आपका द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। तो ये दोनों रचना किसकी है दोस्तों? जॉफरी चौसर की है। और इसको किस स्टेंजा में लिखा गया? तो राइम रॉयल स्टेंजा में लिखा गया है। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत से ऐसे सवाल आएंगे जिसका फॉर्म पूछा जाएगा कि राइम रॉयल है में लिखा गया है कि हीरोइक कॉपरेट में लिखा गया है। तो इस पैटर्न पे ये डेडिकेटेड आपका सेशन है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे दोस्तों लिखते चलिएगा। तो यहाँ पे दो पॉइंट याद रखिएगा, ट्रायलस एंड क्रिसिडा और द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स वॉज रिटन बाई वेयर रिटन बाई जॉफरी चौसर, इट वॉज इन राइम रॉयल। इसके बाद है कि अ स्टेंजा ऑफ 7 10 सिलेबिक लाइन्स, राइमिंग क्या है दोस्तों? AB AB BCC, पॉपुलराइज बाई चौसर। तो दोस्तों ये जो राइम रॉयल है ये 7 लाइन का होता है। कितने लाइन का होता है दोस्तों? 7 लाइन का होता है और 10 साइलेबल्स होते हैं, साइलेबल लाइन्स। राइमिंग क्या है दोस्तों? AB 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 BCC। इसके अलावा दोस्तों और याद रखिएगा, द कैंटरबरी टेल्स और द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन्स, ये दोनों किसकी रचना है? चौसर की रचना है। और इसको लिखा गया है हीरोइक कॉपलेट में। किस में लिखा गया दोस्तों? हीरोइक कॉपलेट में लिखा गया है और क्वाइनर्ड बाई चौसर। तो ये जो हीरोइक कॉपलेट है दोस्तों, इसको इंट्रोड्यूस कौन किए थे? जॉफरी चौसर किए थे, लेकिन इसको जो पॉपुलराइज फॉर्म प्रदान किए वो किए आपके एलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन। तो दोस्तों एक एलेक्जेंडर पोप की रचना है द रेप ऑफ लॉक, तो इसको हीरोइक कॉपलेट में लिखा गया था दोस्तों, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब आपके सामने है कि द रेप ऑफ लॉक वाज बाय एलेक्जेंडर पोप, याद रखिएगा इसके रचनाकार कौन है? एलेक्जेंडर पोप। एनिड बाय वर्जिल। कूपर्स हिल बाय सर जॉन डेनहम। होमर इलियाड एंड ओडिसी, ये जो भी रचना अभी आपके सामने चर्चा किया गया है ये सब के सब दोस्तों हीरोइक कपलेट में है। किसमें है? ये सब के सब हीरोइक कपलेट में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो सवाल आपके परीक्षा में बन सकते हैं हीरोइक कपलेट से, तो जो फेमस रचना है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो है आपका द रेप ऑफ लॉक, एनिड बाय वर्जिल, कूपर्स हिल बाय सर जॉन डेनहम, होमर्स इलियाड एंड ओडिसी। और इसके पहले जो आपका दो रचना था हीरोइक कपलेट में वो ध्यान रखिएगा द सेकंड, इसका क्या नाम था दोस्तों? द कैंटरबरी टेल्स और द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, ये दो चार रचना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद है एलेक्जेंडर पोप वाज द फादर ऑफ मॉक हीरोइक पोएम। तो मॉक हीरोइक पोएम जो है दोस्तों, इसके जो फादर है आपके एलेक्जेंडर पोप है। उसके बाद है कि जॉन ड्राइडन इज नोन एज द फादर ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी या ड्रामा। तो हीरोइक ट्रेजेडी या ड्रामा के जो फादर है किसको जाना जाता है? जॉन ड्राइडन को जाना जाता है। इनकी रचना है, ड्रामा है द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रांडा। ठीक है दोस्तों, जॉन ड्राइडन कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है, तो किसने कहा उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? तो ये दोस्तों जॉन ड्राइडन कहे थे जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। टर्जा रीमा वॉज इन्वेंटेड बाई द इटालियन पोएट दांते। तो दांते के द्वारा दोस्तों
टर्जा रीमा जो एक फॉर्म है पोएट्री का, इसको इन्वेंट किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे। टर्जा रीमा में दोस्तों जो एक रचना है, ओड टू द वेस्ट वाइंड, क्या है दोस्तों इसका नाम, ओड टू द वेस्ट विंड कहिए या वाइंड कहिए, इसको लिखे हैं पीवी सेली। ओड टू द वेस्ट वाइंड के रचनाकार कौन है? पीवी सेली। क्रिस्टोफर मार्लो इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेटजी, तो इंग्लिश ट्रेटजी के फादर के रूप में दोस्तों हम क्रिस्टोफर मार्लो को जानते हैं, याद रखिएगा। द बैटल ऑफ फिलिपी, द बैटल ऑफ फिलिपी जो है ये आपको शेक्सपियर की एक रचना है, जूलियस सीजर, वहां आपको मिलता है। तो परीक्षा में सवाल आएगा कि द बैटल ऑफ फिलिपी शेक्सपियर के किस प्ले में मेंशन है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, जूलियस सीजर। सॉन्ग्स एंड सोनेट, सॉन्ग एंड सोनेट यूजुअली कॉल्ड टोटल्स मिसेलनी, क्या कहते हैं सॉन्ग एंड सोनेट को, क्या बोलते हैं दोस्तों हम, टोटल मिसेलनी। यहाँ पे देखिए TOTTEL, टोटल्स मिसेलेनी, तो टोटल मिसेलेनी के नाम से जानते हैं सॉन्ग एंड सोनेट को। अब दोस्तों इसके राइटर कौन है? हेनरी हुवार्ड, जिन्हें हम अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी जानते हैं, निकोलस ग्रीमेड और सर थॉमस वेट, तो तीन लोग को क्रेडिट है इस रचना को लिखने का, हेनरी हुवार्ड, निकोलस ग्रीमेड और थॉमस वेट। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोएट्री, तो जो आपका सॉन्ग एंड सोनेट है, या कह सकते हैं आपको टोटल्स मिसेलनी, इसको हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोएट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंटेड एंथोलॉजी है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश बाई रिचार्ड टोटल, सबसे पहले इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया, रिचार्ड टोटल के द्वारा। दोस्तों इसमें बात करें कंटेंट्स क्या है, तो इसमें 40 जो पोएम्स है दोस्तों सरे का, सरे मतलब हेनरी हुवार्ड का है, अर्ल ऑफ सरे का है। फिर 40 है ग्रीमेल्ड का, ग्रीमेल्ड का 40, और 96 है वेट का, वेट कौन मतलब थॉमस वेट, और 95 ऐसे पोएम है जिनके राइटर क्या है दोस्तों, अननोन है। तो आई होप यहाँ पे आप टोटल मिसेलनी से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे मेजर्स फॉर मेजर, दोस्तों यह एक शेक्सपियर का प्ले है, क्या है दोस्तों, शेक्सपियर का एक प्ले है, और इसको किस प्ले के रूप में जानते हैं, इट इज अ प्रॉब्लम प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का एक प्रॉब्लम प्ले है। दोस्तों यदि हम बात करें इसको रचना की, कब इसको लिखा गया, तो इट वॉज रिटन इन 1603 to 1604, 1603 से 4 के बीच में इसको लिखा गया। फर्स्ट परफॉर्म, सबसे पहले दोस्तों इसको 1604 में ही परफॉर्म किया गया, पब्लिश्ड इन दिस, अब पहली बार दोस्तों ये जो पब्लिश्ड हुआ इन फर्स्ट फोलियो, फर्स्ट फोलियो कब आया था दोस्तों, 1623 में आया था। दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताएगा कि फर्स्ट फोलियो को किसने पब्लिश कराया था। इसके अलावा यदि हम बात करें जो आपका मेजर फॉर मेजर है, इसकी सोर्स की बात करें तो प्रोमस एंड कसांड्रा, इसका क्या है दोस्तों, सोर्स है ऑफ दिस प्ले। तो यहाँ पे याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यह एक प्रॉब्लम प्ले है, इतना याद रखिएगा। लॉब्स लेबर्स लॉस्ट, लॉब्स लेबर्स लॉस्ट, अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, ये भी किसकी प्ले है दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की प्ले है। इट वॉज अन अर्ली कॉमेडी, याद रखिएगा यह अर्ली कॉमेडी के रूप में इसको हम मानते हैं, तो इसलिए कब लिखा गया है इसको, रिटन इन द मिडल ऑफ 1590, 1590 के मध्य में इसको लिखा गया था। इट वॉज परफॉर्म्ड एट इन्स ऑफ कोर्ट बिफोर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, तो दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ के सामने इन्स ऑफ कोर्ट में इसको पब्लिश परफॉर्म किया गया था। दोस्तों लॉब्स लेबर्स लॉस्ट का एक गीत आप याद रखिएगा, व्हेन डाइसीज पाइड एंड वायलेट्स ब्लू, इस लाइन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको जो क्रिशिडा दिखाई दे रहा है, CRESSID, और वहां पे क्या था, SI के बदले वहां पे Y था, तो ट्रायलस एंड क्रिशिडा जो है यहाँ पे किसकी रचना, विलियम शेक्सपियर की है। इट इज नोन एज द ट्रेजेडी ऑफ टाइम बाय विलियम शेक्सपियर, तो ट्रायलस एंड क्रेसिडा को ट्रेजेडी ऑफ टाइम के रूप में जाना जाता है। ये सवाल बन रहा है कि ट्रेजेडी ऑफ टाइम के रूप में किसको जानते हैं, तो ट्रायलस एंड क्रेसिडा को जानते हैं।
दोस्तों इसको लिखा गया था 1602 में, और इट वॉज अ प्रॉब्लम प्ले। ये भी क्या है? आपका एक प्रॉब्लम प्ले है। तो इसके पहले जो था आपका मेजर्स फॉर मेजर, ये भी क्या था? एक प्रॉब्लम प्ले था। फिर यहाँ पे क्या मिला? फिर आपको यहाँ पे मिला ट्रायल्स एंड क्रिसिडा, ये भी एक क्या है? ये भी एक प्रॉब्लम प्ले है। तो दोनों को एक साथ लिख लीजिएगा, सेजानुज, सेजानुज हिज फॉल। दोस्तों इट इज अ ट्रेटजी बाई बेन जॉनसन। बेन जॉनसन की एक ट्रेटजी है जिसका नाम है सेजानुज हिज फॉल। अ ट्रेटजी अबाउट लुकियस एलियस सेजानुज। लुकियस एलियस सेजानुज पे एक ट्रेटजी है। इट वॉज परफॉर्म्ड एट कोर्ट इन 1603। इसको कोर्ट में परफॉर्म किया गया था 1603 में। तब देन इट वॉज परफॉर्म्ड इन 1609 एट ग्लोब थिएटर, और तब जाके इसको ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। और इसके बाद वाले जो इसका परफॉर्मेंस, द लेटर परफॉर्मेंस वाज अ फेलुअर, और बाद में इसका जो परफॉर्मेंस होता है दोस्तों क्या होता है? फेलुअर्स होता है। द रेप ऑफ लॉक, दोस्तों द रेप ऑफ लॉक क्या है? अ मॉक इपिक पोएम इन हीरोइक कॉपलेट। याद रखिएगा, द रेप ऑफ लॉक क्या है? अ मॉक इपिक पोएम है, और किस शैली में लिखा गया? हीरोइक कॉपलेट में लिखा गया है। कंपोज बाई विलियम, सॉरी एलेक्जेंडर पोप। एलेक्जेंडर पोप के द्वारा इसको लिखा गया था। इसका जो फर्स्ट वर्जन आता है वो आता है दोस्तों 1712 में पब्लिश होता है, इंटू टू कांटोज। कितने में आता है? टू कांटोज में आता है, 1712 में। और जो द फाइनल वर्जन जो इसका आता है, जो 1714 में पब्लिश होता है, इसमें कितने कांटोज होते हैं? तो फाइव। तो पहली बार टू आते हैं 1712 में, और फिर दोस्तों आपका आता है फाइव कांटो जो 1714 में आता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों द रेप ऑफ लॉक के बारे में। अब हम बात करें दोस्तों पिकरास्क्यू नोबेल। नोबेल का एक प्रकार है जिसका नाम है पिकरास्क्यू नोबेल। दोस्तों द थॉमस नेस इज द फादर ऑफ पिकरास्क्यू नोबेल। तो इसके फादर के रूप में हम किसे जानते हैं? थॉमस नेस को जानते हैं। फर्स्ट पिकरास्क्यू नोबेल इन इंग्लिश की बात करें तो यह है आपका द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। क्या नाम दोस्तों? द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, या इसको आप एक और नाम से जान सकते हैं, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर बाई नेस। दोस्तों थॉमस नेस एक यूनिवर्सिटी विट्स थे जो कैम्ब्रिज से पढ़े थे, याद रखिएगा। इसके अलावा हम यदि पिकरास्क्यू नोबेल की बात करें तो पिकविक पेपर भी है जो 1837 में आया था, और इसके रचनाकार कौन है? चार्ल्स डिकेंस है। ये भी दोस्तों एक पिकरास्क्यू नोवेल है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। दोस्तों एक पंक्ति है आपको बताना है कि किस रचना से लिया गया है, तो याद रखिएगा इसका नाम, इस लाइन का, कि हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीट। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न कहाँ से लिया गया दोस्तों? ओड ऑन ग्रेसियन अर्न से लिया गया है। दोस्तों ये जो आपका रचना है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों कुछ सवाल हम बीच बीच में पूछ रहे हैं ताकि ये हमको पता चल सके आपकी कितने एक्टिव होके, कितने कॉन्शियस होके इस लेक्चर को देख रहे हैं, और कितने आप सीरियस हैं आप अपने तैयारी के प्रति। दोस्तों यदि आप सीरियस हैं तो आपकी रिजल्ट जरूर होगी। हु क्वाइन द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी। दोस्तों एक टर्म है जिसका नाम है निगेटिव कैपेबिलिटी, इसको किसने क्वाइन किया था? ऑप्शन है इलियट, ड्राइडन, पोप या किट्स। तो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताएगा कि कौन से इसको क्वाइन किए थे। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं दोस्तों, जॉन किट्स निगेटिव कैपेबिलिटी को क्वाइन किए थे। इसके अलावा दोस्तों एक और मेथड है टच स्टोन मेथड। टच स्टोन मेथड की बात करें तो उसको क्वाइन किए थे, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है दोस्तों, आप इलियट ही क्वाइन किए थे टच स्टोन मेथड को। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माई लास्ट डचेज, एक बार दोस्तों चेक कर लीजिएगा टच स्टोन मेथड को, लेकिन हमको याद रहे कि इलियट ही किए थे। माई लास्ट डचेज इज अन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो माई लास्ट डचेज, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि माई लास्ट डचेज के रचनाकार कौन है? तो आंसर दोस्तों आपका होगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। लेकिन यदि हम इसके फॉर्म की बात करें कि इसको किस फॉर्म में लिखा गया है, तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्या है दोस्तों? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब आपके सामने एक रचना है जिसका नाम है टिंटन अबे। तो दोस्तों टिंटन अबे बहुत ही फेमस रचना है विलियम वर्ड्सवर्थ की। और फेमस क्यों है? आप सुने हैं लिरिकल बैलेट्स का नाम, जो 1798 में पब्लिश होता है, और इसी के साथ एक नए इपोक की शुरुआत होती है जिसको हम रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं। तो जो आपका लिरिकल बैलेट्स है उसमें 23 पोएम्स होते हैं।
जिसमें 19 वर्ड्सवर्थ के हैं और 4 एसटी कॉलरिज के हैं। तो एसटी कॉलरिज की एक पोएम है जिसका नाम है दोस्तों राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। इससे आपका लिरिकल बैलेट्स की शुरुआत होती है, लेकिन जो आखिरी पोएम है राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर की वो है आपका टिंटन अबे। क्या है नाम दोस्तों? टिंटन अबे। और ये दोस्तों क्या है? एक ड्रामेटिक लिरिक है, याद रखिए क्या है, ड्रामेटिक लिरिक है। और इसके रचनाकार कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ है, ठीक है दोस्तों। अब एक रचना का नाम है एडोनिस। एडोनिस क्या है दोस्तों? एक इलेजी है। यहाँ पे अब दो तीन दोस्तों हम इलेजी लेंगे आपके लिए। तो एडोनिस क्या है? एक इलेजी है। और किस पे लिखा गया? इट वॉज रिटन ऑन जॉन कीट्स, किसके द्वारा? बाई पीबी शेली। तो एडोनिस इज अ इलेजी रिटन ऑन जॉन कीट्स बाई पीबी शेली। फिर है आपका लिसीदास। इट वॉज रिटन ऑन एडवर्ड किंग, किस पे लिखा गया था? एडवर्ड किंग पे लिखा गया था। और किसके द्वारा दोस्तों? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों लिसीदास का पब्लिकेशन कब हुआ था? 1637 में, याद रखिएगा 1637 में इसका पब्लिकेशन डेट है। अगली रचना, ये दो भी इलेजी है दोस्तों। यहाँ पे जो अगली रचना है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो दोस्तों इसको किस पे लिखा गया था? आर्थर हेलम पे, किसके द्वारा? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आर्थर हेलम पे तो हम पढ़े इन मेमोरियम, वो एक इलेजी है जो लिखा गया था टेनिसन के द्वारा। तो दोस्तों याद रखिएगा, चाहे आप ब्रेक ब्रेक की बात करें या इन मेमोरियम की बात करें, ये दोनों ही रचना एक आर्थर हेलम पर लिखे गए हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। द कंसेप्ट ऑफ सब्लिमिटी वॉज गिवेन बाई लैंग्विनस। दोस्तों जो सबलमिटी का जो कंसेप्ट है इसको किसने दिया है? लॉन्गिनस ने दिया। किसने दिया है दोस्तों? लॉन्गिनस। द पास्टोरल इलेजी, दोस्तों जो पास्टोरल इलेजी है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय अ ग्रीक पोएट थियोक्रिटस, किसके द्वारा दोस्तों? एक ग्रीक पोएट थे थियोक्रिटस, उन्हीं के द्वारा पास्टोरल इलेजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इनकी रचना क्या थी? आइडिल्स। इपिक की बात करें तो होमर थे, होमर इंट्रोड्यूस किए। और कॉमेडी की बात करें तो एरिस्टोफेन्स रोट फर्स्ट कॉमेडी, तो एरिस्टोफेन लिखे थे पहला कॉमेडी। दोस्तों इस सेशन में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट का डिस्कशन किए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे आपके बीपीएससी एग्जाम में। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।